वीरभद्र सिंह नेहरू को राजनीतिक गुरु मानते थे। पहली बार महासू लोकसभा सीट से लड़ा था चुनाव। आज हो गया उनका आकस्मिक निधन। वीरभद्र सिंह हिमाचल में सबसे अधिक 6 बार मुख्यमंत्री बने। 1983 से 1985 पहली बार, फिर 1985 से 1990, 1993 से 1998 और 1998 से चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद अब पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट में भी बड़े फेरबदल की तैयारी। बताया जाता है कि कैप्टन कैबिनेट से कुछ दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी होगी। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल किए जाने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से शिमला जाने के लिए लिफ्ट नहीं मिली तो शिमला के शोकी एक व्यक्ति ने ज्वालामुखी बस अड्डे में खड़ी 13 डिब्बों की बस को ही उड़ा ले गया। अब मामले में कंडक्टर और ड्राइवर पर भी गाज गिरी है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, लेकिन कोविड के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में 45,892 नए मरीज मिले हैं और 817 लोगों की संक्रमण से जान चली गई है। कोरोना संक्रमण से मुक्ति या पा चुके लोगों पर अब बोन डेथ का भी खतरा मंडराने लगा है। इस बीमारी को विज्ञान की भाषा में वैस्कुलर नेक्रोसिस नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञ इसे लॉन्ग कोविड भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कोरोना से अब तक 40 लाख लोगों की गई जान। महामारी खत्म होने में लगेगा वक्त। कोरोना लाइव महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,558 मामले मिले। 147 लोगों की गई जान। वीरभद्र सिंह 13 वर्ष की आयु में बुशहर रियासत की राजगति संभालने वाले पहले राजा वीरभद्र सिंह थे। बुशहर रियासत के राजा पदमदेव सिंह के निधन के बाद 1947 में वीरभद्र सिंह ने राजगति संभाली थी। कृष्ण वंश के 122वें राजा वीरभद्र सिंह ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफी बड़ी भूमिका अदा की। बुशहर रियासत की शान। वीरभद्र सिंह का जन्म 1934 में सराहन में हुआ था। वीरभद्र सिंह 9 जुलाई शुक्रवार को पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक दर्शन के लिए रिज मैदान पर आम लोगों के बीच रखा जाएगा। हालात ठीक रहे तो अगस्त से खुलेंगे 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल। इस माह होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में 10वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परामर्श लेने के लिए स्कूलों में बुलाने का फैसला हो सकता है। बिलासपुर जिले में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। बुधवार को कोरोना के 11 नए मामले आए सामने। जिले में 101 एक्टिव मामले हो गए हैं। बुधवार को 11 लोगों ने कोरोना को मात दी। चिंतपूर्णी मंदिर खुलने के समय में बदलाव। सुबह 5 से रात्रि 9 बजे तक दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। हिमाचल में 13 जुलाई तक मौसम खराब। 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 10 और 11 जुलाई को प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। हिमाचल में 1,297.23 करोड़ से लगेंगे 13 नए उद्योग। 1,718 लोगों को मिलेगा रोजगार। किसानों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। हरियाणा पंजाब में सुबह 10 से 12 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब रहा बंद। मोदी सरकार को जगाने के लिए बजाए गए हॉर्न। डोंगी बाबा की करतूत बीवी को आती थी चौकी बाबा को ठीक करने के लिए बुलाया तो बहन और चाची को भगा ले गया। 2 साल बाद पत्नी को भी लेकर फरार। कादियां पंजाब का मामला। चालीस डिग्री तापमान में प्रदर्शन। बेरोजगारों ने 3 किलोमीटर तक सीएम शिक्षा मंत्री का पुतला सड़क पर घसीटा। 3 घंटे हाईवे रखा जाम। संगरूर पंजाब का मामला। राहत की खबर। हफ्ते बाद 178 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 3 ठीक हुए। एक्टिव केस 25। रोपड़ जिले में 1 हफ्ते से कोई भी मौत नहीं। रोपड़ में नारेबाजी। पे कमीशन की रिपोर्ट अधूरी बता। मास्टर कैडर यूनियन महाराजा रणजीत सिंह बाग में दिया धरना। हेडवर्क्स पुल के पास वित्त मंत्री का पुतला फूंका।